ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यदपरं यदगुणातीतं यज्योतिर्मलं शिवं तदेव परं तत्त्वं कैवल्यपदकारणम् रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। भगवान राम के कृपा प्रसाद से जो अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक हैं और अनंत आकाश गंगाएं जिनके एक अंश मात्र में विराजी हैं, पृथ्वी सौरमंडल और अपने लोगों जैसे जीव जिसके सामने कुछ भी गिनती में नहीं, नगण्य है, इतने बड़े मालिक होने के बाद भी वो रोम रोम में रम रहे हैं। और इस समस्त सृष्टि के अनंत आकाश गंगाओं में मौजूद अनंत ब्रह्मांडों के क्रियाकलापों के पीछे माँ सीता की शक्ति है, जो भगवान की प्रकाश शक्ति है, चेतना शक्ति है, अनेक प्रकार की शक्तियां, जैसे सूरज की किरणें होती हैं ऐसे भगवान की अनेक प्रकार की शक्तियां माता सीता के रूप में काम करती हैं। उनका एक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं प्रकाश। इसी तरह से समस्त शक्तियों का जो समुच्चय बोधक शब्द है वो माँ सीता है। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड का सप्तदश अर्थात सत्रवा सत्र ले रहे हैं, सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग का विषय जो है वो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न बानर युद्धपतियों की उत्पत्ति, इसका विषय है। क्योंकि भगवान तो जन्म ले लेंगे, लेकिन भगवान की मदद करने के लिए, एक लीला करने के लिए, भगवान तो अकेले यूं रावण को तो ऐसे मसल देते तो रावण तो ऐसे मर जाता जैसे मच्छर भी बहुत बड़ा होता है। उनके सामने जो रावण की ताकत कुछ भी नहीं थी। तभी तो हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार थे सुंदर कांड में, जब रावण के दरबार में जाते हैं तो हनुमान जी उसको समझाते हैं, लेकिन वो मूर्ख अज्ञानी अहंकार में अंधा था। अहंकार में जो भी आदमी होगा उसको कोई अच्छी बात समझ में आती नहीं है। उसने हनुमान जी को पहचाना नहीं, क्योंकि हनुमान जी तो उसके गुरु थे, भगवान शिव का ही रूप थे। उन्होंने कहा था जासु जिसके कारण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जासु बल विचित माया जिसके कारण माया की रचना होती है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि देखो राम का विरोध करने से आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा, अगर राम का विरोध करोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन उसने कहा कि मिला हमें कपि बड़ गुरु बड़ ज्ञानी। अरे उसने हंसी उड़ा दी, जो गुरु की हंसी उड़ा दे, जो गुरु की बात को सुने नहीं, उसके लिए तो बस एक ही विकल्प बचता है,
उसको नष्ट हो जाना पड़ता है। जैसे तुम प्रकाश से दुश्मनी कर लो तो फिर तुम्हारे हिस्से में अंधेरा ही आएगा। तुम सद्गुरु को मनुष्य मत समझो, उनका तुम्हारे से कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान के द्वारा भेजे गए जीवित ब्रह्म हैं। तो अब अपन इसको प्रारंभ करेंगे। पुत्रस्त्वं तु गते विष्णु यज्ञतस्य महात्मनः उवाच देवता सर्वा स्वयंभूर्भगवानिदं। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार से कहा, सत्य संगस्य वीरस्य सर्वेशानो हितेशिनः विष्णो सहयान बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः माया विदश्य शूराश्च वायु वेग समांजवे न्यज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णु तुल्य पराक्रम असह्यानु पाय ज्ञान दिव्य संहनान्वितान सर्वा शस्त्र गुण संपन्नान अमृत पाशनानिव। देवगणों, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनकी सहायता रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी और अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार से शस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। ये समझने जैसा श्लोक है। अगर आपको भगवान की सहायता करना है तो भगवान की सहायता के लिए आपको सामर्थ्य भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री की सहायता करना है तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए आपको उस तरह की योग्यता, मंत्री बनने की योग्यता, उस तरह की बुद्धिमत्ता, वैसी संवेदनशीलता, वैसी देशभक्ति, वैसी निष्कपटता, वैसी ईमानदारी, सब कुछ आपको उसी ढंग की करना पड़ेगी। और आप अगर भ्रष्ट प्रधानमंत्री के मंत्री हैं तो आपको भ्रष्टाचार भी बिल्कुल निपुणता से वैसे ही करना पड़ेगा जैसा हुआ है पिछले 2005 से लेके और 13 तक, तो ऐसे बनना पड़ेगा फिर आपको। तो आपको जिस तरह के व्यक्ति की सहायता करना होती है आपको उसी तरह का व्यक्ति बनना पड़ता है। तो न कहा कैसे होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ क्यों होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े मायावी हैं और उन राक्षसों से निपटने के लिए आपको वैसे ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाला बनना पड़ेगा जैसे राक्षस हैं। कैसे कहते हैं ना कि मसक समान रूप कपिधरी लंक चलहु सुमरी नरहरी। हनुमान जी ने अपना रूप जो है मच्छर के समान बना लिया था जब वो लंका के द्वार के अंदर घुसे थे। तो शूरवीर, माया को जानने वाले,
माया राक्षस जो माया फैलाते हैं, जीत न जाए निशाचर माया और काम रूप कहीं कारण आया, जान न जाए निशाचर माया काम रूप कहीं कारण आया। माया इंद्रजीत ने कैसी कैसी माया रची, रावण ने कैसी कैसी माया रची, कभी अदृश्य हो जाए, कभी प्रकट हो जाए, कभी कुछ करने लगे, कभी अंधेरा छा जाए, कभी मलमूत्र की वर्षा करने लग जाए ऊपर से, तो कभी हड्डियां और मांस के टुकड़े फेंकने लग जाए ऊपर से। तो इस तरह की जो माया है, इस माया को जानने वाला और इसमें भ्रमित ना हो जाए, कभी कभी मोहिनी माया डाल दे, भ्रम माया डाल दे, है ना। तो इस तरह से शूरवीर ऐसे होना चाहिए। शूरवीर का शब्द ऐसा है कि शूरवीर जो है पीछे कदम नहीं हटाता है। जब रणबांकुरे जो होते हैं हमारे भारत में, जितने भी हमारे सैनिक हैं जो शहीद होते हैं, मतलब शहीद शब्द ठीक नहीं है, जो बलिदान होते हैं देश के लिए, क्योंकि ये उर्दू शब्द है, बलिदान शब्द, हुतात्मा शब्द ज्यादा ठीक है इसे। तो जो हमारे अपने जीवन का उत्सर्ग करते हैं, कभी उनके दिव्य मृत शरीर को देखो तो उनके सीने में गोली मिलेंगी आपको, पीठ पर कोई गोली नहीं खाया आज तक नहीं खाया। इसको कहते हैं शूरवीर, अपने प्राणों को न्योछावर करने में तनिक भी नहीं हिचके। वायु के समान वेगशाली, मतलब बहुत इनका जो है उनकी गति मानता है वो बहुत ज्यादा हो, वायु के समान होते। नीतिज्ञ यानी नीति को जानने वाले, यानी कोई इनको मूर्ख ना बनाए, उनको नीति का पाठ पढ़ा के ऐसा ना हो कि उनका दिमाग घुमा दे, जैसे भारतवर्ष में लोगों ने दिमाग घुमा रखा है लोगों का। लोग अपने ही भाइयों से नफरत करने लग गए, अपने ही देश से नफरत करने लगे, अपने धर्म और संस्कृति से नफरत करने लगे, और तो और अपने धर्म संस्कृति वाले लोगों को मारने काटने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि वो नीतिज्ञ नहीं, उनको नीति नहीं मालूम। कैसे कोई तुमको एक दो लाइन की कोई चीज पढ़वा के और कैसे कोई तुमको अपने वश में कर लेगा, कैसे तुम्हारे इर्द गिर्द वो मकड़ी जैसा जाल फैला देगा सांप्रदायिकता का, क्योंकि तुम नीतिज्ञ नहीं हो, तुम जानते नहीं हो। जो नीतिज्ञ होता है वो किसी के जाल में फंसता नहीं। बुद्धिमान, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि वो व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसको जान सके। और विष्णु तुल्य पराक्रम, यानी पराक्रम में विष्णु के बराबर कोई सानी नहीं है, उनके ही समान पराक्रमी हो और किसी से परास्त नहीं, अजय हो, जैसे हनुमान जी अजय, इस तरह के उपायों के जानकार हो कि जिससे जीवन की समस्या, युद्ध कला, मैत्री, राजनीति इत्यादि का समाधान निकला जा सके। और दिव्य शरीर वाले, वैसे सामान्य शरीर वाले नहीं, दिव्य शरीर वाले हों। सामान्य शरीर वाला तो एक जरा से तीर में मर जाएगा, जो दिव्य शरीर वाला होता है उसके शरीर में क्षमता होती है कि उसका घाव अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर दिव्य है। अमृत भोजी देवताओं के समान हो, ऐसे हो कि जो अमृत को ही चयन करें, संसार की माया में जो विष है उसका चयन न करें, और सब प्रकार की अस्त्र विद्या से के गुणों से संपन्न हो, युद्ध कला में पारंगत हो। ये समझने जैसी चीज थी, मैंने समझा दिया आपको। अप्सरसु च मुख्यासु गंधर्वीणाम तनुषु च यक्ष पन्नग कन्यासु यक्ष विद्याधरीषु च किन्नरीणाम च गात्रेषु वानरीणाम तनुषु च सज्जध्वं हरि रूपेण पुत्रास्तुल्य पराक्रमान। प्रधान प्रधान जो अप्सराएं थीं और जो गंधर्वों की स्त्रियां थीं, यक्ष और नागों की कन्या, ऋषियों की स्त्रियां, विद्याधरी और किन्नरियों और वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। अब आप सोचिए, आज क्या है, आज लोग कहते नहीं कोई भी कैसा भी बच्चा हो जाए, बस बच्चा हो जाए, मतलब उस समय ऐसा नहीं था। उस समय संतान की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि विशेष उद्देश्य के लिए ही हर व्यक्ति का जन्म होता है।
ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। परमात्मा हर व्यक्ति को किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म देता है। लेकिन जैसे हम किसी बच्चे को कहें कि जा बाजार से 2 किलो शक्कर ले आ, उसको हमने पैसे दिए शक्कर के, और वो शक्कर ना लाकर उस पैसे से कोई तंबाकू, सिगरेट, कोई नशे की चीज या कोई उस पैसे का दुरुपयोग करके उसको नष्ट कर दे, तो वो बच्चा जो है गलत किया उसने। ऐसे ही परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है विशेष उद्देश्य के लिए, लेकिन तुम लोग उसको समझते नहीं हो। एक भजन में कहते हैं कि नर तेरा चोला, नर तेरा चोला रतन मोला, नर तेरा चोला रतन मोला, बिरथा खोए मतीना, बिरथा खोए मतीना। ये शरीर मिला है, ये बहुत कीमती है। आप लोग इसको छोटे छोटे मजे के, इंद्रियों के सुखों के चक्कर में खो देते हो, फिर ठीक वैसे ही जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सौदा लेने भेजता है, सौदा तो नहीं लाता, हो उस पैसे को बर्बाद कर देता है। ऐसे अपने भगवान अपने पिता है। तो अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष और नागों की कन्याएं, रीछों की स्त्रियां, विद्याधरियों, किन्नरियों और बानरियों के गर्भ से वानर रूप में ही अपने तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। कितनी बड़ी बात है, अप्सराओं के गर्भ से भी वानर ही, गंधर्वों की स्त्रियों से भी बानर, यक्ष और नागों की कन्याओं से भी बानर, है ना, रीछों की स्त्रियों से भी रीछ और बानर, विद्याधरियों की स्त्रियों से भी बानर, किन्नरियों की स्त्रियों से भी बानर, और बानरियों के गर्भ से भी बानर। ये तो गजब का क्लोनिंग है, एक तो गजब का जेनेटिकल साइंस है। ये तो बहुत ही, मतलब ये तो तुम कभी सोच ही नहीं सकते कि आप किसी रीछ के गर्भ से बंदर पैदा कर दो। अप्सरा, जो अप्सरा हैं दिव्य स्त्रियां, उनके गर्भ से वानर हो जाए। और वानर उस समय आवश्यकता थी, क्योंकि नर और वानर से रावण के विनाश का विधान था। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो देवत्व प्राप्त की हुई बहुत अत्यंत पवित्र जीव थे, जिनको कि देवता कहते हैं, ऐसे लोगों के पास इतना बड़ा विज्ञान था कि वो इन सब के गर्भ से, इन सब के यूटेरस से, ये सब के यूटेरस से, और तुम्हारा ओवम और स्पर्म का जो साइंस है, तुम्हारा स्पर्मेटोजिनोसिस और ओजिनेसिस, उसमें कितना गजब का म्यूटेशन की कला जानते थे कि प्रत्येक गर्भ से अपने तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। ऐसा ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया। तुम ये तो विधर्मी लोग जो अपने धर्म की हंसी उड़ाते हैं, ये तो भरोसा ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई मेंढक प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान और कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे ये अधर्मी जो है हमारे धर्म के सामने, हमारे आध्यात्म के सामने, हमारे विज्ञान के सामने, ये बिल्कुल मेंढक हैं। और आप हमारे जो हमारे भाई बंधु हैं, इन मेंढक की टर टर के चक्कर में पड़ जाते हैं और खुद भी मेंढक के साथ मेंढक बन जाते हैं, जबकि देवता बनना है। पूर्व में मया सृष्टो जाम्बान रक्ष पुंगव जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायतः। मैंने पहले ही ऋक्षराज, मतलब ऋषियों, ऋषियों के राजा जामवंत की सृष्टि कर रखी है। मैं एक बार जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। बताइए, अब ये बात अगर ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे, अरे तो बहुत बड़ा गपोड़ा है भाई, तो लपेटो लपेटो उसको, तो झूठ है। अरे मूर्खो, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। जब तुम्हारा विज्ञान दो तरह का रिप्रोडक्शन बताता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब तुम किसी पेड़ की टहनी को काट के दूसरे पेड़ की टहनी में
कलम करके लगाते हो तो वहां वो पेड़ उग जाता है। जब तुम एक कलिका को निकालते हो, आलू की कलिका को लगाते हो, तो आलू की कलिका एक आलू का पौधा बना लेती है। जब तुम टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करा के टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर लेते हो, तो तुमसे तो करोड़ों गुना उस समय हमारा विज्ञान विकसित था। इसलिए यह गपोड़ा नहीं है ब्रह्मा जी के मुंह से जामवंत का निकलना। अरे तो ब्रह्मा जी के संकल्प से सनत कुमार चारों हुए, ब्रह्मा जी के संकल्प से नारद उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के संकल्प से भगवान मनु और उनकी पत्नी सद्रूपा हुई। तो ये तो तुम्हारे दिमाग, मेंढक वाला दिमाग ही तुम्हारा, तुम्हारे दिमाग में ये बात हलने वाली नहीं है। मतलब तुम्हारे, मैं एक शब्द ये नया ले रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ये बात हलेगी, तुम्हारे दिमाग में ये सब बात समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। आगे है, तो वो जामवंत जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, सीधे सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ते तथोक्ता भगवता तत प्रीति श्रुत्य सनातनम जनयामासुरेवम् ते पुत्रान वानर रूपिणः। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवता ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषस्यश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरोरगः चारणाश्च सुतान वीरान ससजूर्वन चारिणः। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग चारणों ने भी वन में विचरण करने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। अब तुम कहोगे भाई महात्मा ने क्यों जन्म दे दिया, महात्मा को तो स्त्री के पास जाना ही नहीं चाहिए, तो महात्मा ही नहीं है, ऋषि को तो जाना ही नहीं चाहिए, सिद्ध पुरुष तो उसको तो मतलब ही नहीं है दुनिया से। तुमने तो ऐसा सिखा दिया सनातन हिंदू धर्म के समाज को कि तुमने लखवा मार दिया, लखवा। उस समय ऐसा नहीं था, मैंने बचपन से सुना लोग, अरे भाई तुम साधु, अरे हिमालय चले जाओ, यहां क्या कर रहे हो, मतलब समाज से काट दो उनको, मरने को हिमालय की उसमें चले जाए वो, है ना, समाज में सेवा नहीं करे वो, समाज के ऊपर आया हुआ सुख दुख को दूर नहीं करें वो, समाज से एकदम अलग हो जाए। बस यही जो तुम्हारी प्रवृत्ति हुई है ये कब से हुई है, जब इस देश में यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, जब आक्रमण हुआ इस देश के ऊपर, तब उन लोगों ने इस प्रकार का मिथक, इस प्रकार का षड्यंत्र इस देश के साथ किया, वरना इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले ऋषि पुत्र भी होते थे, इसके पहले महात्माओं के पुत्र भी होते थे, है ना, पाराशर आदि के पुत्रों का भी कथन आया है, भगवान वेदव्यास के द्वारा नियोग पद्धति से कौरव पांडवों की उत्पत्ति का भी कथन आया है, और सिद्धों के भी पुत्र होते थे, विद्याधरों के भी पुत्र होते थे, और जो नागालैंड है, नाग प्रदेश, नागालैंड कहते हैं ना, नाग जाति वहां रहती थी, उनके भी पुत्र बहुत बहादुर होते थे। और बड़े दुख की बात है कि नाग पुत्रों को एक ऐसी विचारधारा निगल गई जो वेटिकन से आई थी, और हमारे देश में ऐसे गद्दार थे जिन्होंने हमारे पूरे नागालैंड को सनातन हिंदू धर्म से हटाकर और दूसरे धर्म में धर्मांतरित कर दिया, और नागों की जो संस्कृति थी उसको नष्ट कर दिया। तो चारणों ने भी वन में रहने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। ये कितनी बड़ी साइंस होगी, कितनी बिना किसी प्रयोगशाला के उनकी खुद की संकल्प शक्ति, उनका कितना विकसित मस्तिष्क होगा, उनके शरीर के अंदर कितनी दिव्य क्षमता होगी, आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वो मेंढक का दिमाग जो है ना,
वो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकता, बिल्कुल नहीं नाप सकता। भगवान क्या नहीं कर सकते? वो जड़ को चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ कर सकते हैं। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, चल रही मेरी दीवार और दीवार चढ़ती चलने लग जाती है। संत ज्ञानेश्वर, उनके भाई निवृत्तिनाथ, उनकी बहन, तीनों दीवार पर बैठे थे। 1500 वर्ष का पुराना योगी चांगदेव अपना अहंकार दिखाने के लिए शेर पर बैठकर हाथ में कोबरा लेकर आकाश में उड़ता हुआ आया उनसे मिलने, तो उन्होंने दीवाल को, भगवान ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवाल को चला दिया, उड़ा दिया और उससे उसके बराबर से उससे बात की। जो अभी की बात है, 700 साल पुरानी बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं। तो अपने भारतवर्ष में अपने ऋषि मुनियों, अपने सिद्ध, अपने विद्याधर, अपने नाग, अपने चारण, अपने महात्माओं को इस कदर कुचल दिया इन लोगों ने, अशिक्षा और धर्म के प्रति लोगों का अज्ञान, इसमें बड़ी मदद मिली उनको। हमारे गांव में चले जाओ, बहुत से लोगों को तो यही नहीं मालूम कि वेद कितने, उपनिषद कितने हैं। तो बहुत सारे अज्ञानी ऐसे लोग हैं जो कि जो बचपन से ऐसे वातावरण में जिए हैं कि जहां परमात्मा का नाम भी नहीं लिया जाता, मांसाहार कराते हैं और मद्यपान कराते हैं, बीड़ी सिगरेट के सुंटे लगाते हैं। तो हमने, हमारे समाज को हमने संभाला नहीं, और उसी का पाप आज आप देख रहे हो कि हम निरंतर ऐसे लोगों के बारे से घिरे हैं कि जो हमारे धर्म संस्कृति और हमारे भगवान के अवतारों और उनके चमत्कारों की हंसी उड़ाते हैं, और जिनके पास कोई चमत्कार नहीं है उनके झूठे झूठे किस्से पर गढ़ के हमारे सनातन धर्म के लोगों को भ्रमित करते हैं। वानरेन्द्रम महेन्द्रामिन्द्रो बालिनमात्मजम् सुग्रीवं जनयामास तपस्तपाताम्बरः। देवराज इंद्र ने वानरराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था, और तपने वालों में श्रेष्ठ सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। अब बताइए, महेंद्र पर्वत के समान यानी कितना ऊंचा शरीर होगा उनका? 21 लाख वर्ष पहले की, 22 लाख वर्ष पहले की घटना है। अभी अगर आप 5000 6000 वर्ष पहले चले जाएं, तो ऐसा कहते हैं कि उस समय जो पांडव थे, भीम थे, कौरव थे, दुर्योधन था और भगवान श्री कृष्ण थे, आज के मनुष्य से 12 गुना बड़े थे, ऊंचे हाइट में ऊंचे थे। आज भी पंजाब में और हरियाणा में बोने लोग बहुत कम मिलते हैं, वहां की औसत ऊंचाई 5.5 से 6.5 फुट तक है। तो ये बात कोई गपोड़ा नहीं है कि वो महेंद्र पर्वत के समान विशाल, और वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ऋषि कभी झूठ नहीं बोल सकते, हम तो मानते हैं। और इंद्र ने बाली को जन्म दिया, क्योंकि इंद्र रजोगुण का, सतोगुण का अहंकार उनमें इंद्र होने की वजह से था, इसलिए बाली के मन में भगवान राम के प्रति वो नहीं आई चीज जो कि सुग्रीव के मन में आई। और चूंकि भगवान सूर्य जो हैं वो सारे जगत के आत्मा हैं और सबकी सेवा करते हैं, इसलिए उनका भी पुत्र सुग्रीव सेवक के रूप में जन्म लिया। तो देखो यहां अंतर है, पिता का अंतर है यहां पर ना। बाली को भेजा था पहली फेज के लिए, उसने रावण को काख में दबा लिया था पहली फेज के लिए। जब हम कोई युद्ध लड़ते हैं तो हमें युद्ध लड़ने के पहले, बहुत पहले, हमारे शत्रु को थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है। जैसे हमारे यहां पर गुप्तचर व्यवस्था है, हमारे पास छोटी मोटी घटना है। मान लो कि अपने यहाँ
बड़ा युद्ध लड़ने के पहले छोटी मोटी झड़प होती है, उस झड़प में जब शत्रु को अपन परास्त करते हैं, ऐसे ही बाली ने रावण को परास्त किया था, भगवान इंद्र का वो काम पूरा हो गया था। बृहस्पति स्त्वजनायत तारम नाम महाकपिम सर्ववानर मुख्यानाम बुद्धिमंत मनुत्तमम। बृहस्पति जो थे देवताओं के गुरु, उन्हें तार नामक महाकाय बानर को उत्पन्न किया, जो समस्त बानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था, क्योंकि बृहस्पति परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ। जब आपको राष्ट्र के लिए काम करना पड़ता है, जब आपको देश के लिए काम करना पड़ता है, तब आपको बेस्ट बन सर्वोच्च का सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना पड़ता है। आप में से जिन लोगों ने सेना की भर्ती के लिए प्रयास किया होगा, तब पता लग गया होगा कि सेना की भर्ती होना इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। जब आप आईएएस आईपीएस की परीक्षा देते हैं, तो आप देखते हैं कि आईएएस आईपीएस में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को निकलना इतना आसान नहीं होता। पीएमटी पीईटी में आईआईएम में इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में इनमें निकलना मुश्किल होता है। ये बात अलग है कि हमने दुर्भाग्य से समाज का विकास ना करके और समाज के कुछ वर्गों को सुविधा दी है, उसमें सुविधा देने में बुराई नहीं है। हाँ, मैं सुविधा का विरोधी नहीं हूं, मैं जाति पाति वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन राष्ट्र की सेवा के लिए जब चुनाव हो किसी का, तो जिस कार्य में उसकी उतनी दक्षता तो होना ही चाहिए। जैसे अब आप किसी को टैंक चलाने के लिए नियुक्त करें और उसके हाथ बाजुओं में उसके पैरों में इतनी ताकत ही नहीं है, उसमें इतनी इंड्योरेंस नहीं है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी उतनी ऊर्जा नहीं है, तो आप उसको अगर करेंगे तो आपका करोड़ों रुपए का टैंक भी नष्ट हो जाएगा और वो आदमी भी मर जाएगा और देश भी हार जाएगा। तो वहां ऐसा नहीं था उस समय, उस समय बिल्कुल सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया था उन्होंने भगवान राम के सहयोग के लिए। तो बृहस्पति ने तार नामक महाकाय बानर को उत्पन्न किया। धनदस्य सुतः श्रीमान बानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजन यन्नलम नलम नाम महाकपिम। तेजस्वी बानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था, जो कुबेर थे भगवान शिव के खजांची कुबेर कोषाध्यक्ष कुबेर, उन्होंने गंधमादन नामक बानर को उत्पन्न किया था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान बानर को जन्म दिया। पावकस्य सुतः श्रीमान नीलो अग्रसदृश प्रवाह तेजसा यशसा वीर्या दत्यरिच्यत वीर्यवान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान अग्निदेव जो हैं, उनका पुत्र था नील, नील और नल। नाथ नील नल कपि दो भाई लरकाई ऋषि आय सुपाई जिनके परस किए गिरि भारे तरह जलधि प्रताप तुम्हारे। नील और नल दो इंजीनियर थे जिन्होंने राम सेतु बनाया। राम सेतु आज भी है, उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की। उस राम सेतु को तोड़कर हमारा मनोबल, हमारे सनातन धर्म के प्रतीक टूट जाए। मंदिर तो बहुत तोड़ दिए, राम मंदिर तोड़ दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा तोड़ दी, धार में माँ सरस्वती का मंदिर था वो तोड़ दिया। मंदिर तो बहुत तोड़ दिए, लेकिन वो जो सेतु था वो तोड़वाना चाहते थे, जिसको झक मरा के नासा ने एडम सेतु कहा। एडम मतलब आदम, आदम मतलब मनु, मनु का पुल, लेकिन वो मनु का पुल नहीं है,
वो भगवान राम का पुल है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो रहेगा, सृष्टि के प्रलय के बाद वो नहीं रहेगा, इसके बाद फिर भगवान जब जन्म लेंगे तो दोबारा उस पुल को बनाएंगे। श्री राम, जय जय राम। तो फिर अग्निदेव के पुत्र थे नील, और पराक्रमी बानर तेज यश और बल वीर में सबसे बढ़ चढ़ के थे। रुद्र रूप रुद्रण संपन्ना अश्विनो रूप संपतौ मैंदम च दिविदम चैव जनयामासतु स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और दिविद को जन्म दिया। स्वयं ही मैंने उनको स्त्री की आवश्यकता नहीं, खुद ही। बताइए कितना बड़ा विज्ञान होगा। अरे हमारे यहाँ पर एक राजा की जांग को मत के पुत्र उत्पन्न किया था भाई। ये कथा भागवत में आती है। तुम्हारा विज्ञान जो दो कौड़ी का विज्ञान है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे विज्ञान के पास। वो तो हमारे साहित्य को जला दिया और 1000 साल की गुलामी। अरे रे रे रे, आदमी तो 10-20 साल की गुलामी अपना दिमाग का संतुलन खो बैठता है। धन्य है ये हमारा सनातन हिंदू समाज जो 1000 साल की गुलामी में संघर्ष किया। इसने गुलाम नहीं था, इस संघर्ष किया। थोड़े थोड़े हिस्से गुलाम थे, कभी पूरा भारतवर्ष एक साथ कभी गुलाम नहीं रहा, और उसके कारण हम फिर उभर कर ऊपर आए और आएंगे। तो इन्होंने मैंद और दिविद को जन्म दिया है ना। रघुपति चरण नाय सिरा, चलहु तुरंत अनंत अंगद नीलमयंदनल संघ सुभट हनुमंत। मेघनाथ को जब मारने जा रहे थे लक्ष्मण जी, तब का ये दोहा है। भगवान राम के पवित्र चरणों में सिर झुकाकर अनंत यानी भगवान लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार थे, चलो तुरंत अनंत अंगद उनके साथ कौन कौन गए थे, अंगद नील मयंद नल और संघ सुभट, और भी सुभट थे हनुमंत, और हनुमंत हनुमान जी भी थे। हनुमान जी बहुत बहुत भक्तों के रखवाले हैं, मालिक हैं वो। हम अयोध्या गए थे हनुमानगढ़ी के महल, तो हमको बोले मालिक है, बस वो दिल में तीर घुस गया मालिक है। क्योंकि भगवान राम जब सरयू की नदी में जाकर अदृश्य हो गए, वैकुंठ मतलब अपने साकेत धाम चले गए, तो हनुमान जी कह रहे थे पहले कि हम भी साथ चलेंगे। सभी को ले गए थे जो जो मुख्य मुख्य थे। हनुमान जी को नहीं, आप मत चलो, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लेने वाला एक भी जीवात्मा बचेगा तब तक आपको यहां रह के उसकी सहायता करना है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अस्वर दीन जान की माता। भगवान हनुमान जी की कृपा से ही ये वाल्मीकि रामायण का पाठ हो रहा है अभी। वरुणो जनयामास सुषेणम नाम बानरम, शरवम जनयामास पर्जन्यस्तु महावर। वरुण ने सुषेण नामक बानर को उत्पन्न किया। ये सुषेण दूसरा है, वो लंका से जो वैद लाए थे वो वाला सुषेण नहीं है, ये दूसरा है। और महावली परजन्य ने शरभ को जन्म दिया, शरभ नाम के बानर को जन्म दिया। मारुतस्यो रसः श्रीमान हनुमान नाम बानर, वज्र संहनोते पो
समो जबे। हनुमान नाम के ऐश्वर्यशाली बानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर बजरे के समान सुदृढ़ था, वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। वायु देवता के औरस पुत्र थे। इसमें थोड़ी समझने की बात है। जैसे मेरे से कोई मेरा शिष्य कहे कि भाई गुरु जी मेरे को संतान नहीं है, आशीर्वाद दे दो, तो फिर मैं क्या करता हूं, भगवान को आह्वान करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, और उसी व्यक्ति को, उसी उसी मनुष्य को इतनी अंदर से ऊर्जा प्रदान होती है उसका, और औरस जो होता है उसका, जो स्पर्मेटोजिनोसिस होती है उसका, जो जेनेटिकल फ्लूड होता है उसके अंदर, एक दिव्यता आती है, एक डिविनिटी आती है। अभी तक की जो मलिनता और नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाती है, और जहां से अवरुद्ध हो रहा है संतान उत्पत्ति का मार्ग, वो खुल जाता है और उसको संतान उत्पत्ति होती है। तो ये रहस्य छोटा सा मैंने बताया, इसी तरह के रहस्य थे वायु देवता के औरस पुत्र थे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। भगवान शंकर का जो ओज था, जो अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक और भौतिक जगत से परे, जिसको कहते हैं पैरा मटेरियल से अलग है ना, वो एक एक ऐसी जो पावर थी, वो पावर वायु देव लेकर कहाँ आए, केसरी नाम के वानर के शरीर में लाए। तो केसरी के नंदन यानी केसरी के पुत्र, लेकिन शंकर के सुमन माने शंकर की, अब मैं शब्द तो है नहीं यार इसके बारे में, मैं क्या शब्द, मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं इसका। वो शंकर भगवान का मैं इसको वीर भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि शंकर भगवान का वीर था नहीं, और वायु का भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वायु का भी पुत्र कहते हैं। अभी मेरे बच्चे हैं तो मेरे शिष्य सब मैं पुत्र हैं। जैसे मेरी अपनी सरीन है, वो मेरी बेटी है, तो क्या मैं उसका वो बायोलॉजिकल पिता हूं क्या? तो इसी तरह के पिता अलग अलग होते हैं। जैसे शिव हैं, शिव के ने खुद अवतार लिया था, तो इसलिए शंकर सुवन हो गए। और वायु पुत्र इसलिए थे कि वायु के माध्यम से वो प्रसर हुआ था, और केसरी उनके सांसारिक बायोलॉजिकल पिता थे। इस तरह से तो अब आप सोच लीजिए कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी उस समय, उसमें उस समय जो बायोलॉजी अपनी जो थी, उस समय जो अपना जिसको कहते हैं कि जेनेटिकल साइंस जो था, जो ओरिजिनेशन ऑफ जेनेटिकल फ्लूड और इसके बियॉन्ड, इसके पार की जो चीजें थी वो कितनी विकसित थी, तो आपके आपके मेढक वाले दिमाग में नहीं आएगी। मैंने ले लिया आज के प्रवचन में, मेढक वाला दिमाग है, आपको नहीं आएगी बात समझ में, हलेगी नहीं आपको ये बात, है ना। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि गुरु कह रहे हैं और वाल्मीकि रामायण बोल रही है, ठीक है। और बजरे के समान सुदृढ़ था उनका शरीर, कैसा था, बज्र के समान था। जैसे बज्र को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसे हनुमान जी के शरीर पर कोई आघात असर नहीं करता था। अरे साहब हो तो और छोड़िए, ब्रह्मास्त्र भी उनको असर नहीं कर सकता था, क्योंकि जब इंद्रजीत ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया अशोक वाटिका में, तब उन्होंने कहा कि जो न ब्रह्म शर्माना हूं महिमा मिटे अपार, क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था उन पे। है कोई दुनिया का आदमी जिस पर परमाणु बम फेंक दो और परमाणु बम का ही असर नहीं हो? ब्रह्मास्त्र 1000 गुना होता है परमाणु बम से, तुम्हारे जो परमाणु परमाणु बम कहीं नहीं लगते, इतना ताकतवर होता है ब्रह्मास्त्र। और उसको हनुमान जी से गए, तो उनसे बड़ा कोई ताकतवर है नहीं, और ऐसे हमारे रक्षक हैं हनुमान जी, तो हमको किस, तुम रक्षक काहू से डरना। हे दीन बंधु दान दीनों के नाथ, तुम रक्षक
रक्षक काहू से डरना, हम किससे डरे इस दुनिया में, जब हमारे हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं तो हम क्यों डरेंगे इनसे। तो तेज चलने में गरुड़ के समान थे, कैसे उड़े, अभी सुंदर कांड आएगा तब पता चलेगा। जब ऐसे उड़े समुद्र के ऊपर, एक गरुड़ से भी तेज, जैसे बहुत बड़ा पर्वत उड़ रहा हो आकाश में। सर्व बानर मुखेशु बुद्धिमान बलवान अपि ते सृष्टा बहु साहस्रा दश ग्रीव वधोधता। सभी श्रेष्ठ बानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे, विद्यावान गुणी अति चातुर है ना। कहते हैं इस प्रकार कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई, कई हजार वे सभी बानर रावण का वध करने के लिए तैयार रहते थे। पदम 18 यूथप बंदर, 18 पदम, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब शंख दस शंख नील दस नील पदम दस पदम, ये है तो पदम इन आखिरी गिनती है। 18 पदम बन यूथप मतलब सेनापति थे, और सेना की तो गिनती छोड़ दो, 18 पदम तो यूथप मतलब सेनापति थे। यो इसको कहते हैं कंपनी कमांडर, एक निश्चित कंपनी होती है ना, कंपनी में 1000 लोग 2000 लोग जो भी होते हैं उनका एक कमांडर होता है, कुछ समय यूथप बोलते थे ना। अभी भगवान हनुमान जी का स्मरण हो गया तो थोड़ी आंखों में सजलता आ गई, चश्मे पहुंच लेते हैं, क्योंकि कटोरा छोटा है और उनकी उनकी कृपा और प्रेम और भक्ति बहुत ज्यादा है, कटोरा छोटा है दिल का वो छलक जाता है। तो अप्रमेय बलाबीरा विक्रांता काम रूपिणः ते गजाचल संकाशा बपु पुष्मन्तो महाबला। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी, वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और महाबली थे। गजराज तो तुमने नष्ट कर ही दिए, गज बचे, गजराज मेमत से भी बड़ी जाती थी, जो मेमत हाथी था इस हाथी से दो गुना बड़ा था, उससे भी बड़े होते थे गजराज। रक्षबानरगो पुच्छा क्षिप्रमेवा विजगिरे यस्य देवस्य यद्रूपम् बेशो यस्य पराक्रम अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक पृथक गोलांगुलेषु चोत्पन्नः किंचिदुन्नत विक्रमः किंचिदुन्नत विक्रमः। रीछ बानर और गोलांगुल यानी लंगूर जाति के वीर शीघ्र उत्पन्न हो गए, जिस देवता का जैसा रूप जैसा वेश और पराक्रम था उसे के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। वे देवावस्था की अपेक्षा कुछ अधिक पराक्रमी थे, अपने पिता से भी थोड़े पराक्रमी ज्यादा ही थे। ऋषि सूच तथा जाता वानरा किन्नरीशुच देवा महर्षि गंधर्वास्ताक्षर्य यक्षा यशस्विनः नागः किं पुरुषाश्चैवः सिद्ध विद्याधरोरगः बहवो जनयामासुष्टास्तत्र सहस्रशः। कुछ वानर ऋच जाति के माताओं से कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए, देवता महर्षि गंधर्व गरुड़ यशस्वी यक्ष नाग किम पुरुष सिद्ध विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। कितना बड़ा चमत्कार है,
वट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल कि आपकी उनकी माता कुछ भी थी, लेकिन उसमें कितना बड़ा म्यूटेशन किया, कितना बड़ा उन्होंने उत्क्रमण किया और उसमें सभी से बानर ही उत्पन्न हुए, चाहे वो रीछ हो, चाहे वो किन्नरी हो, चाहे वो देवताओं की पत्नी हो, चाहे वो गंधर्व की पत्नी हो, चाहे वो गरुड़ हो, चाहे नाग हो, चाहे किम पुरुष हो और चाहे सर्प हो, चाहे बहुसंख्यक, मतलब जेनेटिकल कोड फिक्स कर दिया उन्होंने, आप नहीं कर सकते। आदमी का जो जेनेटिकल कोड होता है वो अलग होता है, गधे का जेनेटिकल कोड अलग होता है, बानर का जेनेटिकल कोड अलग होता है, रीछ का जेनेटिकल कोड अलग होता है, कौवे का जेनेटिकल कोड अलग होता है। मेरी बात नहीं मानते हो तो बायोलॉजी वालों से जाके पूछो, क्यों कि यदि आप मनुष्य की ओबम में अगर किसी गधे का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराओगे तो वो नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। कौवे का कराओगे नहीं होगा, लेकिन वहां ऐसा जेनेटिकल कोड सबको फिक्स कर दिया, एक ही जेनेटिकल कोड कर दिया सबका। मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते इस बात को अच्छे से समझ पाता हूँ, है ना। अगर मैंने विज्ञान और बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती तो मैं आपको इस अच्छे से नहीं समझा सकता था। चरणाश्च सुतान वीरान सृजुर्वनचारिणः वानरान सुमहाकायान सर्वान वे वनचारिणः। ऊपर आया वचारिणा और नीचे आया वनचारिणा, कितना अच्छा श्लोक बनाया है वाल्मीकि ऋषि ने, गजब का। देवताओं का गुण और गुण गान करने वाले वनवासी चारणों ने, जो वन में रहते थे, जिनको ये लोग कहते अरे तुम तो हिंदू नहीं हो, तुम तो आदिवासी हो, ये सब भ्रमित कर रखा। अरे मूर्ख हो, वो तो भगवान राम के समय से हिंदू है, 21 लाख साल से हिंदू है, वाल्मीकि रामायण इसका प्रमाण दे रही है। तुम जबरदस्ती उनको अपना धर्म में बदल रहे हो, उनको कह रहे नहीं तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो अलग हो, तुम तो मूल निवासी हो, ये तो बाहर से आए हुए आर्य हैं। अरे कितना भ्रमित करोगे तुम है? अरे हम तो सब ऋषि मुनियों की संतान है, चाहे कोई वनवासी हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे कोई अनुसूचित जनजाति हो, या कोई दलित वर्ग हो, या कोई किसी भी जाति का हो, कोई धोबी हो, तेली हो, सुतार हो, कोई भी हो, हम तो एक ही ऋषि मुनियों की संतान, एक डीएनए हमारा, एक ही डीएनए है हमारा, हमारा डीएनए एक है। आप देख लो भारत के रहने वाले लोग हैं उनका, ये तो विज्ञान भी कहता है कि वो ओरिएंटल रीजन कहते हैं इसको, विज्ञान में 5 रीजन बांटे हैं बायोलॉजिकल, ओरिएंटल रीजन, अफ्रीकन रीजन, यूरोपियन रीजन, ये रीजन अलग अलग है, इनके डीएनए अलग अलग है, लेकिन आप सबका डीएनए चेक करो, हमारा सबका डीएनए एक है। तो हम कैसे आ गए, सब मूल निवासी कैसे बन गए, हम मूल तो मूल निवासी बन गए, हम आर्य बन गए, तो क्या हमारा क्यों डीएनए, हम कोई डीएनए भी तुम्हारा समान मिला के लाए थे क्या? विज्ञान इसको सिद्ध करता है कि ना कोई यहाँ मूल निवासी है और ना कोई आर्य है, हम सब सनातन धर्म में रहने वाले सब हिंदू है, और तुम विज्ञान को भी बेवकूफ बना रहे हो। तो देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए, वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे, जितने भी वानर थे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे, एक भी मांसाहारी नहीं था, राक्षस नहीं था उनमें से कोई भी। ये जितने भी वानर भगवान के समय में जो लड़े थे उनमें से एक भी मांसाहारी वानर नहीं था। तुम्हारी तरह अंडा नहीं खाता था, मुर्गा नहीं खाता था, बकरा नहीं खाता था, ऊंट नहीं खाता था, पाड़े नहीं खाता था, भैंसे नहीं खाता था, ऐसे नहीं थे वो। हमारे हमारा धर्म पवित्र धर्म है, ये तो अभी बीच में तुम्हारे आने की वजह से ये भैरव और काली के नाम पर लोग हिंदू लोग बलि चढ़ाने लग गए हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। हमारे कभी बलि नहीं दी जाती थी, कभी बलि नहीं दी जाती थी। हमारे यहाँ बलि का मतलब होता है कि अपने अहंकार की, अपने दुर्गुणों की, अपने अपने अंदर के जो लोलुपता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है,
इसको इसको नष्ट करना ही हमारे यहाँ बलि था, और हमारे यज्ञ होते थे उसमें कभी बलि नहीं होती थी। ये तो ये 2000-1500 साल से ये सब चला है, प्रदूषण चला है, धर्म के नाम पर अधर्म चला है। और वो भी कैसे चला है, जब हूण और कुषाण जब इस देश में आक्रमण करने आए तब से ये गड़बड़ी हुई है। तो मुख्य मुख्य अप्सराओं, हाँ, अप्सरसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीसु च नागकन्यासु च तदा गंधर्वीणां तनुषु च कामरूप बलोपेपे यथा काम विचारिण। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं, गंधर्व पत्नियों के गर्भ से इच्छा के अनुसार और बल से युक्त स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। बताइए, फिर कहता हूं कि देखो माताओं की अलग अलग जाति थी लेकिन पुत्र वानर ही हुए, कितना बड़ा विज्ञान था। सिंह साधुर सदशाह दर्पेण च बलेन च शिला प्रहारणा सर्वे सर्वे पर्वत योधिना। वे दर्प और बल में सिंह के समान और व्याघ्रों के समान थे। सिंह और व्याघ्र दो अलग अलग जाति है। सिंह जो है बब्बर शेर, जिसके पीठ पे जो है बाल रहते हैं, और व्याघ्र मतलब जो होता है ये चीते से उन्नत जाति थी, वो नष्ट हो गई। चीते से अच्छी जाती जो टाइगर है, आज का टाइगर, उस जिस पे आपने कभी देखा होगा कि माता जी की सवारी, माता जी बैठती है ना, तो चीते की सवारी पे वो चीता ही अलग था। जैसे मेमत हाथी नष्ट हो गया, स्पेसीज ही नष्ट कर दी तुम लोगों ने, तुम्हारी मनुष्यता है कि क्या, तुम तो पशुओं से भी ज्यादा दुष्ट हो। तुमने सब मकान मकान जंगलों को तोड़ ताड़ के बना लिए, पशु पक्षियों के घर नष्ट कर दिए। अब तुम्हारे यहाँ पर कोई जो अपने सनातन धर्म के अतिरिक्त अगर कोई मुंडेर पर पक्षी बैठ जाए तो गुल्ला मार के पत्थर से मार डालते हो, उसको पका के खा लेते हो। हमारे तो पशु पक्षियों को, चींटियों को तक हम दाना चारा डालते हैं, चींटियों को चुन देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं उनको भोजन देते हैं। हमारे आश्रम से भी, हमारे आश्रम में 1-1500 पक्षी छत पर आता है, पूरे मोहल्ले के जो कुत्ते आवारा उनको टोस्ट दूध सब हम व्यवस्था का भगवान की कृपा से आश्रम के द्वारा की जाती है। हम क्या करते हैं, भगवान करते हैं। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, और तुम्हारे यहाँ तो कुत्ता छू जाए तो तुम तो अपवित्र मानते हो अपने आप को। हम तो कुत्ते को गोद में बिठाल के प्रवचन दे सकते हैं, हम तो परमहंस है। हमारे हिंदू सनातन हिंदू धर्म में सब प्राणियों से दया और प्रेम करना सिखाते हैं। हमारे तो गीता ये कहती है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिना सुनी चैव सुपाकेशु पंडिता समदर्शिना। हमारे यहाँ जो पंडित है यानी सर्वोच्च योग्यता वाले लोग, आत्मज्ञानी को पंडित कहा है, वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, सुअर में, सब में परमात्मा के दर्शन करते हैं। और तुम्हारे यहाँ तो यह सिस्टम है भैया कि तुम तो, मैं माफी चाहता हूं, मुंह में से निकलना ही पड़ेगा, तुम तो अपने घर में जो बकरा पालते हो उसी को काट देते हो, उसमें तुम्हारा प्रेम नहीं है। कैसे प्रेम, तुम्हारे पास रहा इतने महीने इतने साल, तुम्हारा दिल नहीं जुड़ा उससे। हमारा तो कुत्ता ही मर जाए तो हम भोजन नहीं कर सकते, और तुम उसको मार के खा लेते हो। वाह वाह वाह, कहते हो हम तो बड़े श्रेष्ठ है। तो करुणा का धर्म है सनातन धर्म, और फिर वीरता का भी धर्म है। सब मैं समझना, एक हाथ में करुणा है तो एक हाथ में वीरता भी है। तो ये दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान, और पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते थे, पर्वत उठाकर लड़ते थे। बोलिए, पर्वत उठाकर लड़ते थे। राम लंका कांड में आपको पता लगेगा, पर्वत फेंक देते थे उठा के, वो दब के मर जाते थे राक्षस। नख दृष्टा नख दंष्ट्रायुधः सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदः विचालयेषु शैलेन्द्रान् वेद वेद ये युहु स्थिरा द्रुमान।
सभी नख दांतों से शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे, स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। बोलिए, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पेड़ उखाड़ उखाड़ के मारा राक्षसों को। वो उनको जरूरत नहीं हथियार की, ऐसे बिना हथियार के चले जाए तो भी काम कर दे, है ना। अभी तो देखो, आप लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, हिंदू धर्म सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। बस आपको एक ही जरूरत है, एकता की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। क्योंकि अभी संगठित हो जाओ, क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिसका संगठन मजबूत उसकी बात सुनी जाती है। तो छोम ये युश्च बेगेना समुद्रम सरितापतिम धारयेयुः क्षितिम् पद्भ्यामाप्लवेयुर्महानभं। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें उन पैरों से पृथ्वी का विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांग सकते थे। भैया आप देख लो, चूहा भी पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, बिल बना लेता है। और कुत्ते को देखो तो कुत्ता दोनों पैरों से जमीन खोद के अपने रहने की मांद बना लेता है। इसी तरह से सियार बना लेते हैं, तो वो तो फिर भगवान का वरदान प्राप्त हुए महावीर थे, तो पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता थी। नवस्थलम वेशयुश्च ग्रहीयुरपि तोयदान ग्रहिणी यूरपि मातंगान मत्तान प्रवजतो बने। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं और बादलों को हाथों से पकड़ लें, तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को बंदी बना लें। इतने शक्तिशाली थे, उड़ना भी जानते थे। इसका कहने का मतलब उड़ना भी जानते थे। नर्दमानाश्च नादेना पतयेयुर्विहंगमान ईदृश्यानां प्रसूतानि हरिणा कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपः। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने सिंहनाद से किरकिरनाद से गिरा देते थे नीचे। घबरा के पक्षी नीचे गिर जाता था, इतनी ताकत से बोल सकते थे। जैसे तुम्हारा कंपनी कमांडर नहीं रहता, पूरी परेड को करता है, जो जोर से चिल्लाता परेड सामने होगा, इतनी जोर से चिल्लाता है, हजारों लोग एक साथ आवाज सुन लेते हैं उसकी, सावधान। इस तरह से उनकी आवाज इतनी सिंगनाथ थी कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी गिर जाते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, जो चाहे छोटे रूप बन जाए बड़े बन जाए, मतलब उनमें सिद्धि थी, महिमा लघुमा गरिमा ये प्राप्ति सिद्धियां थी उनके पास। महाकाय बानर युद्धपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे, करोड़ों की संख्या में। भाई साहब युद्धपति, तभी तो पदम अठारह युद्ध बंदर लिखा तुलसीदास जी ने। तो वे बानरों के प्रधान युद्धों के भी युद्धपति थे। अब एक बात मैं कहने चाहता हूं, ये जो वाल्मीकि रामायण है ये भगवान नारद ने सुनाई किनको, वाल्मीकि ऋषि को। और वो जो रामायण रामचरितमानस है वो भगवान शंकर ने सुनाया पार्वती को। इतना फर्क है, मतलब वो मानस है, मानस मतलब भगवान ने अपने मन में, शंकर भगवान ने अपने मन में उसको रखा था, वो पार्वती को सुनाया। और पार्वती जी माँ की कृपा से पूरे संसार को ये तुलसीदास जी के माध्यम से हनुमान जी की कृपा से मिला है। बभूर्भूर्थ पश्रेष्ठान वीराश्चा जनयन महीन अन्य रक्षवता प्रस्थान उपस्थु सहस्रशः। उन युद्धपतियों ने भी ऐसे वीर बानरों को उत्पन्न किया जो युद्धपों से भी श्रेष्ठ थे। वे अपने ही वे और ही प्रकार के बानर थे, इन प्राकृत बानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्रों बानर युद्धपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। अन्य नाना विधान शैलान काननानी च भेज रहे
सूर्यपुत्रम च सुग्रीवम शक्रपुत्रम च बालिनम भ्रातरा भूपस्थुस्ते सर्वच हरियूथपः नलम नीलम हनुमन्त मन्यास्य हरियूथपान् ते तार्थ बल संपन्नाः सर्वे युद्ध विशारदा विचिरन्तो अर्दयन सर्वान सिंह व्याघ्र महोरगान। दूसरों के नाना प्रकार, दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय ले लिया, मारने लगे। इंद्र कुमार बाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। अब शक्र, शक्र पुत्र है ना, बाली नाम, शक्र कहते हैं इंद्र को, कहते हैं शक्र है ना, और शुक्र कहते हैं शुक्राचार्य को, एक ही मात्रा का फर्क है ना। समस्त इंद्र कुमार बाली और सूर्यनंदन सुग्रीव दोनों ही भाई थे, और समस्त वानर युद्धपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे, मतलब वो दोनों इनके राजा थे। इसी प्रकार से नल और नील हनुमान अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली, युद्ध कला में निपुण थे। वे वन में विचरने के समय सिंह व्याघ्र और बड़े बड़े नाग समस्त वन जंतुओं को रोद डालने में सक्षम थे। महाबलो महाबाहुर बली विपुल विक्रम जुगोप भुज वीरेण ऋक्ष गोपुंचवानर। महाबाहु बाली भगवान महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। तेरियम पृथ्वी शूरे सम पर्वत न बनानवा कीर्णा विविध संस्थार निर्नाभ्यंजन लक्षणे। उन सबके शरीर पार्थिक सूचक नाना लक्षण और नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर बानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल पर फैल गए। ते ये अब इस सर्ग का अंतिम श्लोक है। ते मेद वृंदा चलकूट सन्निभेर महाबलिर्वानरजूत पाधिपहे बभूवभूमिर्म शरीर रूपे समाव्रता राम सहाय ये तो समाव्रता राम सहाय ये तो। वे वानर युद्धपति मेघ समान और पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यार्षे श्रीमद् वाल्मीक रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे सप्तदश सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में सत्रहवा सर्ग पूरा हुआ। भगवान की कृपा से ये प्रवचन हुआ और भगवान के ही चरणों में अर्पित है, अपना कुछ भी नहीं। उनने जैसा बुलवाया वैसा बोल दिया। अब भगवान राम का मंदिर 5 अगस्त 2020 से बनना शुरू होगा। मेरा भक्तों से निवेदन है कि किसी भी दलाल को पैसे ना देकर सीधे राम मंदिर ट्रस्ट में दान करें। उसके बकायदा अकाउंट नंबर और सब कुछ बैंकों में उपलब्ध है। दलाल पैसे खा जाते हैं, उनको पैसे ना दें, चाहे कोई भी हो सीधा ही दान करें। ओम जय श्री राम।